Good morning, students. I hope you are good sound. Today we will start chapter number 2 in class 4. Chapter name in English is the Little Seed Tree. Now, sometimes you also feel like you need something more than you deserve it. कभी कभार आपको ऐसा फील होता है कि आपको भी कुछ अच्छा चाहिए, मतलब इच्छाएं होती है, यू विश टू डू इट, यू विश दैट यू कैन गेट इट, आपको वो मिल जाए वो सारी चीजें. जैसे इफ यू आर स्मॉल किड, यू वांट टू बी अ बिगर वन, आपको बड़ा होना है. यू वांट टू ड्राइव अ व्हीकल, आपको बाइक चलानी है, आपको कार चलानी है, या फिर ये विशेष होती है. बट समटाइम ये विशेष हमको हार्म कर देती है. तो सिमिलरली ये एक स्टोरी है सीड ट्री की, जो अपने लीव्स से बहुत परेशान होता है कि उसको उसके जो लीव्स है, पॉइंटेड लीव्स है, नीडल की तरह पॉइंटेड लीव्स है, वो उसे पसंद नहीं होते. तो क्योंकि कोई भी बर्ड्स वहाँ पर नेस्ट नहीं बनाता है और वो मतलब क्राउडेड नहीं रहता है, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता, वो अकेला खड़ा है, कोई उसके साथ नहीं है, इसलिए वो ऐसा फील करता है कि मे बी उसे कोई विश मिल जाए. और एक मैजिशियन आता है जो उसको 4 विशेस देता है, क्योंकि वो उसकी हेल्प करता है, ट्री मैजिशियन की हेल्प करता है. सो वे आर स्टार्टिंग द चैप्टर. वो कौन सी 4 विशेस है जो मैजिशियन देता है, वो हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा. सो वे आर स्टार्टिंग द लिटिल फेयर ट्री. सेडली द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ सडन it began to rain. It rained heavily. Sadly looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. He ran towards it as fast as he could. अब सेटी एक मैजिशियन है जिसकी सरनेम है सेटी. वो घर की तरफ जा रहा है और इतने में ही सडनली बारिश गिरने लग जाती है. बहुत तेज बारिश आ जाती है. सेटी इधर उधर देखता है कि कोई शेल्टर मिल जाए, कि छुप जाए, कि इतनी तेज बारिश से वो भीग जाएगा पूरी तरह. और उसको एक फिर ट्री दिखाई देता है, लिटिल फिर ट्री दिखाई देता है, बहुत प्रिटी सा होता है वो, उसे दिखाई देता है. वो उसकी तरफ भागता है और थोड़े ही टाइम में वो उसके पास पहुंच जाता है और उसके नीचे खड़ा हो जाता है. सुन The rain stopped. Sati was happy that he did not got wet. अब soon बारिश खत्म हो जाती है थोड़ी देर में और सैटी बहुत खुश है. क्यों? क्योंकि वो भीगा नहीं. और किसकी हेल्प हुई, मतलब किसकी हेल्प की वजह से वो नहीं भीगा? फिर ट्री की हेल्प से. Thank you. You have been kind to me. I would like to reward you. Ask for 4 wishes and I will grant them. Said the magician. Magician बोलता है, क्या बोलता है? Thank you. तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी help की. मैं तुम्हें reward देता हूँ, मतलब इनाम देता हूँ कि तुम 4 wishes मांगो मेरे से और मैं तुम्हें grant कर दूँगा, मैं तुम्हें दे दूँगा. The sad fir tree had leaves like needles. And no birds ever made their nest on it. So it said, I wish I had green leaves like my other friends. अब वो फिर ट्री बहुत उदास होता है क्योंकि उसके कैसे लीव्स होते हैं, नीडल्स की तरह लीव्स होते हैं. नीडल्स अ स्मॉल थिन पीस ऑफ मेटल. नीडल्स आपको पता है सुई बोलते हैं. सुई की तरह नोकीले थे उसके जो लीव्स होते हैं. तो वो बोलता है मैं बहुत उदास हूँ, मुझे तो ऐसे लीव्स चाहिए जैसे मेरे बाकी फ्रेंड्स के पास है, ग्रीन लीव्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीव्स? लीव्स मतलब आपको पता है पत्ते बोलते हैं जैसे पेड़ के ऊपर होते हैं और प्लांट में होते हैं, वैसे उसे लीव्स चाहिए थे, ग्रीन लीव्स. नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड. Soon a goat came along and ate all the green leaves. Oh dear, said the fir tree, I wish I had gold leaves as goats do not eat gold leaves. Ab first wish uski kya thi?
कि उसके पत्ते कैसे हो जाए उसके बाकी फ्रेंड्स के जैसे हो जाए ग्रीन कलर के। तो ऐसा ही हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठा तो देखा उसके जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर के हो गए। और मॉर्निंग में उसके पास गोट आई और गोट ने उसके पत्ते खाना स्टार्ट कर दिया। तो अब वो सोचता है कि काश मेरे पास गोल्डन लीव्स हो। कौन से लीव्स हो? गोल्डन लीव्स। गोल्ड तो सबको पता है क्या होता है, सोना, अ प्रीसियस येलो मेटल। तो गोल्डन लीव्स के जिससे गोट उसे नहीं खा पाएगी। When the little tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am! It said, a man came along and stole the gold leaves. I wish I had glass leaves. It said, men do not steal glass leaves. अब next morning क्या हो जाता है? Gold leaves हो जाते हैं। Second wish उसकी पूरी हो जाती है। गोल्डन लीव्स हो जाते हैं क्योंकि गोट उसे नहीं खा पाएगी। तो जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है उसके गोल्डन लीव्स हो जाते हैं, वो बोलता है अब मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन इतनी ही देर में दो मैन आते हैं और उसके लीव्स तोड़ तोड़ कर ले जाते हैं क्योंकि गोल्ड के लीव्स हैं। वो चुरा लेते हैं, स्टोल कर लेते हैं, स्टील कर लेते हैं, मतलब विदाउट परमिशन कुछ चुरा लेते हैं। I wish I had glass leaves instead. Man do not steal glass leaves. अब थर्ड wish मांगता है, क्या मांगता है कि मेरे glass के leaves हो, क्योंकि glass के leaves man नहीं चुराएंगे, human जो है वो नहीं चुराएंगे। The next day, its glass leaves shone in a bright sun. How happy I am! It said. At night, the wind blew. Ooh, all the glass leaves broke. अब next day क्या होता है कि उसके जो leaves हैं वो glass के हो जाते हैं। और जैसे ही sun rise होता है और glass के ऊपर sunshine गिरती है तो उसके glass चमकने लग जाते हैं, bright हो जाते हैं। तो होता है मैं कितना खुश हूँ, मेरे जो लीव्स हैं वो चमक रहे हैं गोल्ड की तरह, लेकिन वो गोल्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही रात हो, ये थर्ड विश थी उसकी, तो उसको ग्लास के लीव्स मिले। जैसे ही रात हुई विंड चलने लगे, जोर से हवा आने लग गए और वो जो ग्लास के लीव्स थे सारे टूट गए। मतलब उसकी थर्ड विश भी थी वो भी वेस्ट हो गई। अब वो क्या बोलता है? Oh dear, said the fig tree, I like my old needle-like leaves best, for goats do not eat them. No man can steal them. The wind will do them. No, हाँ। The tree went to sleep. When it woke up the next morning, it had all its needles back again. अब बोलता है, oh dear, ये glass leaves भी टूट गए। अब मुझे तो मेरे पुराने, fourth wish मांगता है, मुझे पुराने वाले जो मेरे needle वाले leaves थे, वैसे ही चाहिए। क्योंकि कोई भी गोट उसे नहीं खाती है, कोई भी man उसे चोरी नहीं करता है, और कोई भी wind उसे कुछ भी हार नहीं पहुंचाती है, कुछ भी उसका बिगाड़ती नहीं है। ट्री सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो उसे क्या दिखाई देता है? उसके जो नीडल स्लीव्स हैं वो उसको वापस मिल गए हैं। ओ आई नेवर वाज सो हैप्पी, सेड द लिटिल फिग ट्री। अब लिटिल फिग ट्री बोलता है, ओ मैं ऐसा खुश कभी नहीं था, क्योंकि अब तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पहले की तरह मिल गए लीव्स जो उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता, कोई चुरा नहीं सकता और कोई खा भी नहीं सकता। मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, लालच थी उसकी कि मुझे वैसा बनना है। अगर आपने देखा होगा कि आप
जैसे यू आर डिमांडिंग अ मोबाइल फोन फ्रॉम योर पेरेंट्स, कि आपका बड़ा भाई या आपकी बड़ी सिस्टर फोन यूज करते हैं, यू ऑल्सो नीडिंग द फोन, आपको भी फोन की जरूरत है, आप ऐसा बोलते हो। लेकिन बड़े जो ब्रदर सिस्टर हैं वो कुछ यूजफुल वर्क कर रहे होते हैं, और आपको किस लिए चाहिए? गेम्स खेलने के लिए, कार्टून देखने के लिए, है ना? तो वो सारी चीजें अगर आप करोगे फोन में तो आपकी आंखें खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो फेट ट्री है वो डिमांड करता है सारी चीजों की, मुझे उसकी तरह बनना है, मुझे वैसा बनना है, मुझे वैसा बनना है। लेकिन अगर आप जैसे हो आप वैसे ही रहोगे तो आप खुश रहोगे। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन आप खुश हो तो आपको वैसे ही रहना चाहिए, है ना? तो यहां से हमें क्या सीख मिलती है? हमें वैसे ही रहना है जैसे है, कि गॉड ने हमें स्पेशल बनाया है। हम सब अलग अलग स्पेशल हैं कुछ अलग अलग चीजों में, तो हमें प्राउड होना चाहिए कि मैं कोई चीज में तो स्पेशल हूं। जैसे फिट्री भी स्पेशल है उसके नीडल लीव्स में, सिमिलरली हम भी ऐसे स्पेशल हैं। ओके, अब उदास नहीं होना है कि मुझे वैसा चाहिए, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। हम जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है बुरा होना चाहिए, सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। Now the chapter is not finished. We are moving towards the glossary part. Glossary देख ले हम लोग। First one is pretty. P R E double T Y. Pretty. Pretty means pleasant to look. बहुत अच्छा दिखना, look अच्छी, pleasant दिखना, pleasant. Second one is needles. N double E D L E S. Needles. Needles means a small thin piece of metal. सबको पता है needle मतलब सुई. Third one is leaves. L E A V E S. Leaves. Leaves means one of thin flat usually green part of plants and tree. Leaves माने पत्ते जो ग्रीन कलर के होते, कहां पर होते? प्लांट या ट्री के ऊपर। फोर्थ वन इज गोल्ड, जी ओ एल डी, गोल्ड। गोल्ड माने अ प्रीशियस येलो मेटल, प्रीशियस येलो मेटल, जिसे गोल्ड बोलते हैं, सोना बोलते हैं हिंदी में। फिफ्थ वन इज स्टील, एस टी ई ए एल, स्टील। स्टील्स मीन चोरी करना, चुराना, टेक समथिंग विदाउट परमिशन, कुछ लेना बिना परमिशन के, मतलब स्टील करना, चुराना। यू नीड टू राइट दिस ग्लॉसरी इन योर नोटबुक विद नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग, सो वॉच द वीडियो कैरफुली दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड ग्लॉसरी आल्सो। सो द ग्लॉसरी इज गॉट फिनिश्ड, द चैप्टर इज गॉट कंप्लीटेड, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। So goodbye students, stay safe, stay home, bye.